हेलो फ्रेंड, क्या हाल है आपका? उम्मीद है साहब ठीक ठाक। करो आपके सोफे तो 173 अपने पास जो है वो ऐड की हुई है। बस इंडिपेंडेंट चेक के थे तो सारे पसंद जो आपको बैठना बैठना बस बहुत बस को लेकर चलते हैं। तो ये हम तक बस जो है वो इतने पैसेंजर बैठाने के बावजूद इतनी ज़्यादा स्पीड है बस की। तो इसको हम ज़्यादा स्पीड पर नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो यार बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बात है। तो हम इसको कोशिश करेंगे स्लो स्लो लेकर चले। तो ये गेट है जहाँ से हम निकले हैं बाहर, तो ये हम निकले हैं यहाँ से बाहर। तो बहरहाल बाहर निकलने के बाद भी हमने थोड़ा सा ख्याल कर, तो देखना है कितना वो मतलब कुछ कट होती है गाड़ी। तो अरे थोड़ी सी गलती की वजह से गाड़ी की हो गई है टक्कर, तो देख लगाए थोड़ा सा मेनिंग करें बताते हैं गाड़ी को लेकर चलते हैं। थोड़ा सा और जूम आउट करें तो गाड़ी को लेकर चलते हैं। बड़ी सी बड़ी सी हैवी किस्म की है तो दोनों काम उसके बड़े ही है। तो ये आगे आ गया है सर, तो सर से अगर हमने हो जाना है अपने मंजिल की। तो देखो इंडिकेटर दबाने की बात है, जैसे ही दबाते हैं वो फिर आपको पता है पास किया बस को पास किया बस को छोड़ देते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, जाती है कि नहीं स्पीड के साथ जो है बस का करना है। तो डर होता है कहीं आगे वाली बस में ना जा के टकरा आ जाए जितनी उसकी स्पीड वो शो करते हैं। बहरहाल हमने बस को बड़े ही तरीके के साथ जो है लेकर चलना है। ये देखा लग गई ना टक्कर, और वो भी इतनी हैवी वाली टक्कर लगी है कि बस ही टेढ़ी हो गया। तो अब हमें बस की मरम्मत भी करवानी पड़ेगी। ड्राइवर साहब बस जरा एहतियात के साथ चलाओ, इतनी बेएहतियाती के साथ बस चलाओगे तो क्या फायदा। इतने तो आपको वहां से क्या कहते हैं इनकम नहीं मिलनी जितना आपने गाड़ी को नुकसान कर दिया। तो लिहाजा आपको गाड़ी अब बड़े ही एहतियात के साथ चलानी पड़ेगी। फिर भी जो ड्राइवर है वो आपको पता ही है होते ही ऐसे हैं, गाड़ी को बताते ही ऐसे हैं जैसे पता नहीं आगे क्या हो गया। तो ये अब आ जाए गाड़ी के अंदर, तो अब गाड़ी को बताने का मजा आएगा। हाँ अब भगा के दिखाओ गाड़ी कितना भागती है। अब हम जल्दी से ब्रेक लगा के गाड़ी को स्टॉप भी कर लेंगे। ये आगे वाली गाड़ियाँ क्यों रुक रही हैं, ये गाड़ी रुकी हुई है देखा। हमने फौरी ब्रेक लगा कर रोक लिया ना गाड़ी को, अगर ना ऐसा सीन होता तो हमने तो गाड़ी उसके ऊपर जो है लगा देनी थी। तो अब फिर हम गाड़ी की ज़रा स्पीड को तेज़ करके देखते हैं गाड़ी की कितनी स्पीड है। तो स्पीड आप देख ही रहे हैं, गाड़ी जो है वो तो माशाल्लाह इतनी स्पीड से दौड़ती है कि कुछ अंदाज़ा नहीं रहता गाड़ी को। असल में गाड़ी जो है ना पैसेंजर वैन है, तो इसके लिए कोशिश होती है कि जल्द अज़ जल्द अपने पैसेंजर को उनकी मंजिल तक हम लेकर चलें, जिस वजह से गाड़ी की इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड गेम बस सिमुलेटर इंडोनेशिया जो हमने इंस्टॉल किया है, गेम आपको अच्छी लगी हो चैनल को फॉलो करने, लाइक करने और सब्सक्राइब भी करने। मुझे उम्मीद है कि आपको गेम बड़ी अच्छी लगी होगी। बस हमारा जो ड्राइवर है वो थोड़ी सी बेचैती करता है, ध्यान नहीं करता गाड़ियों का, ठीक है वो कभी किसके साथ टक्कर लगा देता तो कभी किसके साथ टक्कर लगा देता है, उसे ज़्यादातर रोड्स की पहचान नहीं है। तो आपको जो अगर आपने ये गेम खेलनी है तो बड़े ही एहतियात के साथ आपको ये गेम खेलनी पड़ेगी, वरना रोड क्लियर होने की सूरत में तो आपको पता है गाड़ी ऐसे दौड़ती है जैसे पता नहीं क्या सीन है। तो गेम आपको अच्छी लगी हो चैनल को फॉलो लाइक सब्सक्राइब आपने करना नहीं भूलना। मुझे तो ये गेम बड़ी प्यारी लगी, आपको गेम कैसी लगी है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं फिर आपसे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। अब हम थोड़ी सी इसकी ऑफ रोडिंग करके देखते हैं कि ऑफ रोडिंग पर ये गेम कैसा रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर अब हमने रास्ता ऐसे चेंज कर लिया है, ये लें जी ये रास्ता हमारा हो गया है चेंज, ठीक है। तो आपको गेम कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है। तो मैं इसी तरह अपने फ्रेंड्स के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो यहाँ पर अब हमने इसको कर देना है ऐसे। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में।